हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत आसान से बना सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है, एकदम टेस्टी मस्त ये भुर्जी बनती है। जो वेज वाले हैं ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं, ठीक है, बनाकर आराम से खा सकते हैं पनीर भुर्जी। तो देखिए, कढ़ाई बैठा दी हूँ, 3 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। गर्म हो जाने के बाद देखिए अभी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ा सा 1/2। अभी ऑयल गरम नहीं हुआ है। अब गरम हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा भी पूरा तड़कने लगा है, उसके बाद डालेंगे ऑनियन। मैंने 2 मीडियम साइज ऑनियन लिया है, उसको फाइन चॉप कर दी हूँ। 2 ऑनियन और अदरक, ये लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नहीं तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लेना। तो ये अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा लाइट कलर का ब्राउन होने तक करेंगे, लाइट कलर होने तक उसको पकाएंगे, कुक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को भी एकदम पूरा लाइट ब्राउन होने तक ही उसको फ्राई करेंगे, भुनेंगे, तो ही बहुत अच्छा लगता है, उसका कच्चापन जाना चाहिए। ये सब मैं मीडियम फ्लेम में ही कर रही हूँ, और फिर स्लो फ्लेम करके 2-3 मिनट ऐसे हाई फ्लेम में मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। फिर स्लो करके ढककर उसको रख देंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे उसके ऊपर, ताकि जल्दी ऑनियन पक जाए, अपना कुक हो जाए। तो अभी देखिए, मैं फिर से इसे सॉटे कर रही हूँ ऑनियन को पूरा, फिर इसे स्लो फ्लेम में ही उसको 2 मिनट ऐसे ढक्कन लगाकर ढककर और पका लूँगी, और 2 मिनट। अब ये देखिए पूरा पक चुका है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे टमाटर, 1 टमाटर चॉप करके रखी थी, देखिए इस तरह होना चाहिए लाल, एकदम डार्क ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, लाइट कलर का, ठीक है। अब डाल देंगे 1 टमाटर, बड़ा टमाटर, छोटा होगा तो 2 ले लेना, इसको भी फाइन चॉप करके रख दी थी। और कैप्सिकम, अगर कैप्सिकम नहीं होगा तो अचार वाला मिर्ची आता है ना, जो बिना दिखाया वाला, वो मिर्ची भी आप 2 ले सकते हो, और कैप्सिकम होगा तो आधा कैप्सिकम लेकर ऐसे ही चॉप करके डाल देना। तब ये भी पकने के तरह, अभी तो नमक डाल दिए थे पकाने के, और फिर डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी टमाटर के ऊपर ऐसे पक जाएगा। तो अभी देखिए, ये भी 2-3 मिनट उसको भी ढककर टमाटर को पका ली हूँ, सॉटे कर दी हूँ। अब 1 चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, और थोड़ा 1 चम्मच, आधा चम्मच ये गरम मसाला, और फिर जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर ये मसाले को सब डालकर पूरा सॉटे करेंगे अच्छी तरह से। ये है धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, ठीक है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया आपको? अब इसको पूरा अच्छी तरह से, जैसे हम भुर्जी करते हैं वैसे ही इसको सब फ्राई करेंगे अच्छे से, मतलब सॉटे करेंगे, भुनेंगे इसको। फिर इसको भी 2 मिनट ऐसे ढककर रख देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम में और मीडियम फ्लेम में। ऐसे जब सॉटे करते हैं ना, मीडियम फ्लेम करके ऐसे सॉटे करते रहने का, जब ऐसे पकाओगे तो स्लो करके ढक लोगे, ऐसे देखिए सॉफ्ट थोड़ा हो गया ना, पूरा कुक हो चुका है। तब इस स्टेज में अपना पूरा परफेक्ट हो गया है। अब जो पनीर को, आप पनीर को ग्रेट भी कर सकते हो और ऐसे छोटे छोटे पीस क्यूब के तरह काट सकते हो। मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस करके काटा है, और हाथ से भी ऐसे क्रम्बल कर सकते हो, जैसे छोटे छोटे पीस ऐसे टुकड़े कर सकते हो, तो भुर्जी की तरह लगेगा और अच्छा लगता है। तो देखिए, अब पूरा सब, ये 200 ग्राम पनीर ली थी, इसको सब ऐसे छोटे छोटे काट दी हूँ, इसमें अभी डाल दी हूँ। अब सबको अच्छे से ऐसा मिक्स कर दूँगी, पूरा मसाला इसके अंदर जाएगा, और 2-3 मिनट इसको बस ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। आप चाहो तो ढककर भी रख सकते हो, लेकिन ढककर रखोगे तो पानी निकलेगा, 2 मिनट से आधा जो ढक्कन ढककर ऐसे रखोगे। अब पूरा सॉटे कर दी हूँ, 4 मिनट हो चुका है। अब पूरा, और नमक देखकर भी आप दोबारा डाल देना, मैं नमक भी डाली थी, थोड़ा धनिया पत्ता भी डाली हूँ। फिर इसको सॉटे कर देंगे, ये देसी धनिया पत्ता डालना, बहुत ही सुपर टेस्ट आता है इसका। इस तरह करके आप खाइए, वेज वाले भी खुश हो जाएंगे। ये है पनीर भुर्जी की रेसिपी, बहुत ही मस्त लगती है। आप इसको ये दाल चावल और भुर्जी खाइए, रोटी के साथ खाइए, वड़ा पाव वाला जो पाव आता है उसमें भी इसे भरकर खाइए, मस्त लगता है। और ये नाश्ता में भी खा सकते हो, शाम के टाइम में भी खा सकते हो। देखिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह आप बनाइए। अब मेरा ये परफेक्ट हो चुका है, अब मैं सर्व कर दूंगी। फिर सर्व करने के टाइम में फिर से धनिया पत्ता ऐसे काट कर थोड़ा सा और रखी हूँ, और उसको गार्निशिंग कर दूंगी इसके ऊपर। अब इसमें भी डाल दे रही हूँ। अब देखिए, ये इतनी इजी सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है, सिर्फ 20 मिनट लगता है सब काट कर रखने के लिए।
और पकाने के लिए 5 मिनट हो गया ना। जिस रेसिपी पनीर भुर्जी की रेसिपी बहुत सुपर टेस्ट आती है, आप बनाकर एक बार देखिए इस तरीके से। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लेकिन ये रेसिपी श्योर बनाइएगा, ये जब अच्छा लगेगा आपको तभी ही आप सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब करिए ये मेरी रेसिपी को देखकर। ओके, बाय।